नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रियल वास्तु विद मेघा में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। ओम शांति महामंत्र का सत्य व यथार्थ अर्थ। आइए आज हम ओम शांति महामंत्र का सत्य व यथार्थ अर्थ जानेंगे। यह दो शब्दों का अर्थ है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ व मेरा धर्म स्व शांति है। ओम का यहाँ सामान्य सा अर्थ है मैं, और शांति अर्थात शांत अवस्था व इसके संदर्भ में स्व धर्म। वास्तव में ओम शांति 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 भारत का प्राचीन मंत्र है, जिसे अक्सर सत्संग में, यज्ञ में, प्राथमिक विद्यालयों में भोजन परोसते समय यह मंत्र बोला जाता था। इस वाक्यांश का 300 वर्ष पुरानी प्रार्थना अस्तो मा सद्गम्य में भी पता लगाया जा सकता है। यह प्रार्थना परमात्मा से आने का निवेदन करती है कि वे आए और शांति, अविनाशी ज्ञान व धन की दुनिया पुनः स्थापन करें। परंतु वास्तव में इसका अर्थ आत्मा के संबंध में है, ना कि देह के संबंध में। अधिक सटीक रूप में ओम शांति वाक्यांश का उपयोग हमें यह याद दिलाने के लिए है कि शांति हमारा मूल धर्म है। यह हमारे परमपिता परमात्मा का व्यक्तित्व है और हम सभी आत्माएं शांति का प्रतीक है। यह जानते हुए कि मनुष्य सच्ची शांति, सच्चा प्यार और सच्ची खुशी की तलाश में व्याकुल है, समय समय पर परमात्मा आते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि वास्तव में ये आपके स्वाभाविक गुण हैं। जिस शांति या प्रेम को आप बाहर खोज रहे हैं वह वास्तव में आपके भीतर ही है। व्यापक रूप में जब हम यह अनुभव करते हैं कि मैं शांत हूँ, तब हम वही स्पंदन, वही वाइब्रेशन ब्रह्मांड में भेजते हैं। हम पूरे अस्तित्व को याद दिलाते हैं कि आप शांति हैं। प्रत्येक आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप शांति है। जैसे इस भौतिक शरीर के बिना एक आत्मा अपने आप में एक पवित्र चेतना बिंदु शक्ति है। प्रत्येक आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप शांति है। जैसे इस भौतिक शरीर के बिना एक आत्मा अपने आप में एक पवित्र चेतना बिंदु शक्ति है। सब कुछ एक जैसी वाइब्रेशन से बना है, जिसे आप शांति, प्रेम या आनंद कहते हैं। इस प्रकार हम नदियों, समुद्र, पहाड़ों, पेड़ों, आकाश, पृथ्वी, जानवरों और पक्षियों यानी कि पूरे ही विश्व को यह स्मरण कराते हैं। एक योगी आत्मा का शक्तिशाली स्पंदन निश्चित रूप से विश्व के हर कोने तक पहुंचता है। जैसे ही हम दुनिया को उसकी मूल स्थिति की याद दिलाते हैं, परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रत्येक जीवित प्राणी या निर्जीव वस्तु हमारी चिंतन की शक्ति का उत्तर देते हैं। क्या आप यह जानते हैं कि यदि आप पौधों को अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं तो वह भी जल्दी ही विकसित हो जाते हैं, और इसके विपरीत अगर आप उसको घृणा जैसे नेगेटिव वाइब्रेशन भेजते हैं तो वह जल्दी ही मर जाते हैं। जितनी सरलता से आप शब्दों का उपयोग कर उन्हें बोलते हैं, उतनी ही आसानी से आप मौन में रहने और अपनी संकल्प शक्ति के माध्यम से संदेश देने का अभ्यास भी कर सकते हैं। हम भाषा द्वारा अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, यही है आवाज़ में आना, लेकिन आत्मा विचारों के संदेश पहुंचा सकती है। यहाँ मौन रहने का अर्थ बोलना बंद करना नहीं है, बल्कि बोलते या बातचीत में आते समय और अपने दैनिक कार्यों को करते समय हमारी आंतरिक स्थिति शांत होनी चाहिए, बुद्धि स्थिर और मन शांत।
ऐसी आत्मिक स्थिति में यदि कोई आत्मा किसी अन्य आत्मा को विचार भेजती है तो वह मौन की शक्ति को बढ़ाता है। प्रेम और शांति आत्मा की भाषा है। इस प्रकार परमात्मा हमें प्रेरित करते हैं कि हम खुद के होने की अनुभूति से और अधिक जागरूक हो जाएं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए। धन्यवाद।